हेलो दोस्तों, दिस इज मनोज और आप देख रहे हैं माहिर आर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हनुमान जी की प्रतिमा को निर्मित करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसकी मॉडलिंग के लिए मैंने वैक्स का इस्तेमाल किया है। आप अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार इसे नेचुरल क्ले या फिर किसी भी सिंथेटिक क्ले में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बेस के लिए एक क्यूबॉइड बना लिया है, जिसे हम स्टोन का प्रारूप दे देंगे। इसके बाद टॉर्सो के लिए एक और क्यूबॉइड बना लेंगे, जिसके चारों कॉर्नर को कट करते हुए कुछ इस प्रकार का शेप बना लेंगे। अब इसे तीन बराबर पार्ट में डिवाइड करते हुए लाइनिंग कर लेंगे और नीचे की ओर पैर के ज्वाइंट वाले हिस्से पर कुछ इस प्रकार से तिरछा कट कर लेंगे। अब पैर के लिए दो क्वाइल बना लेंगे और इसे मोड़ते हुए बैठने की अवस्था का प्रारूप दे देंगे। पैर के पंजे के लिए दो क्वाइल बना लेंगे और इन्हें जोड़ते हुए पैर के पंजे का आकार दे देंगे। दोस्तों, दूसरे पंजे का थोड़ा सा हिस्सा ही दिखाई देगा, तो हमने इस क्वाइल का आधा हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। क्योंकि हम मेल फिगर बना रहे हैं, तो टॉर्सो के निचले हिस्से को दोनों तरफ से कट कर लेंगे और ऊपर वाले हिस्से को एज इट इज रखते हुए मॉडलिंग कर लेंगे। अब हाथों के लिए दो क्वाइल बना लेंगे, जिनका डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। दोस्तों, ये सभी डायमेंशन 9 इंच की कलाकृति के हिसाब से दिया हुआ है। आप यदि इससे बड़ा या छोटा स्कल्पचर बनाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से साइज को घटा या बढ़ा लीजिएगा। इसी प्रकार से नेक और हेड के लिए दो अलग अलग शेप बना लेंगे और इनकी मॉडलिंग कर लेंगे। दोस्तों, हनुमान जी का फेस बनाने के लिए नाक तथा उसके ऊपर का हिस्सा ह्यूमन फेस की तरह ही बना लेंगे और होठ तथा उसके आसपास के हिस्से को ऊपर उठाते हुए थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। अब नाक के नीचे वाले हिस्से पर दोनों तरफ वैक्स ऐड करते हुए कुछ इस प्रकार का शेप दे देंगे। आंख के नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। नाक और चिन के बीच में एक लाइन खींच लेंगे, ये हमारी होठ की लाइन हो जाएगी। अब इसकी डिटेलिंग कर लेंगे। दो छोटे छोटे स्फीयर की मदद से आंख बना लेंगे। इस प्रकार से फेस की मॉडलिंग पूरी हो चुकी है। अब गर्दन तथा उसके आसपास के हिस्से की मॉडलिंग कर लेंगे और उसके ऊपर हेड वाले हिस्से को जोड़ देंगे। छोटी क्वाइल्स की मदद से कान बना लेंगे। दोस्तों, यदि आपको ह्यूमन फेस बनाने में दिक्कत आती है, तो इस पर हमने सेपरेट वीडियो पहले बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके या फिर आप हमारे चैनल पर भी जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं। अब स्लैब की मदद से कपड़ा बना लेंगे और इस पर लाइनिंग करते हुए इसकी सिलवटें बना लेंगे। इसके बाद बाल की मॉडलिंग कर लेंगे। बाल की मॉडलिंग के बाद सर का ताज तथा अन्य आभूषण की भी मॉडलिंग कर लेंगे।
अंत में गदा बना लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। इस प्रकार से हनुमान जी की प्रतिमा तैयार हो चुकी है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।